हमें मतलब करना भी है और डरना भी है। तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और हम जा रहे हैं जिम। जैसे आपको पता है कि क्रिस भाई ने अपनी जिद मनवाई ली, आखिर शेड्यूल चेंज कर दिया है। तो आज पहले मारेंगे चेस्ट, फिर कल बैक, फिर वेडनेसडे को बाइसेप्स, और फिर उसके बाद तो फिर सेम ही है। सैटरडे वाली क्लिप कहीं गुम हो गई, तो सैटरडे का व्लॉग आ ही नहीं पाया भाई, क्रिस की वजह से भाई डिलीट हो गई हो सब पाया भाई। ये साड़े के चक्कर में मेरे फोटो वोटो सब डिलीट हो रही है। रुक जा बेटा, फोन लेना एक बार यार, फोन लेने के बाद मैं गांडू तेरे चक्कर। पता मेरे फोन में कम से कम 2-3 हज़ार फोटोज थी, वो सारी की सारी अब बची कितनी टोटल 500-700 बची हैं, वो सब खत्म। तो चल रहे हैं वैसे, दिखा दे ऊपर सामने। वैसे क्रिस भाई का कुछ और ही मोटिव है, चेस्ट का हाला बता नहीं रहा है जो मतलब है। अरे नहीं भाई, मैंने वो शेड्यूल देखा था ना, तो उसमें बोला था कि मैंने चेस्ट मारा तो सही होता, बाइसेप्स ट्राइसेप्स तो मैंने शुरू मार लेंगे। चलो चलो फिर देखते हैं भाई आज क्रिस भाई का। मैं यहीं हुई तो काम आ जाओ। हम आ गए हैं हुड्डा सिटी, तो चलिए हुड्डा सिटी में चल ही रहे थे हम, और फिर आगे जिम अपनी खिड़की पे, खिड़की खुली है, देखते हैं भाई क्रिस भाई का किटने आ रखा है नहीं आ रखा है। टाइम आने में भी शायद किसी ने नजर लगा दी भाई, कहीं आप सब तो नहीं हो नजर लगाने वाला, कोई हो क्रिस से जलने वाला तो उसने क्रिस को। उसने क्रिस को घूर लिया, वो कह रहा ओ भाई क्या बॉडी बना ली क्रिस ने। अरे बाबो बोलते ना चक्कर शुरू करा भाई मैं। चलते हैं फिर, सीढ़ी आ गई, सीढ़ी तो ऐसे दिखा रहा है बहुत तगड़ी भाई, अपनी सीढ़ी ऐसी है भाई। जिम में एकदम भाई याद गाने बजते हुए इंग्लिश, जो क्रिस और मेरे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। और राज भाई और काकू नहीं आया आज, क्या है चेस्ट? हमारी चेस्ट है आज। आइए देखते हैं मजा आएगा। ये दोस्तों से गाना है कि एड़ा बहुत बड़ा भैया मम्मी आ गई है, उसके बारे में कुछ बोलना होगा ठीक है। क्या लेना होगी?
2 hours later. तो दोस्तों आज का सेशन हुआ खत्म और अब चल रहे हैं घर की ओर. आज काकू भाई हमारे साथ. अबे चल अलग घूम. तो काकू भाई बैग लेके आए. जब बैग दे दो ना काकू भाई. ऐसी है भाई. काकू भाई तो नहीं रहा. ट्राइसेप छूट गए मेरे यार. मैं लेट ही आया और अपना ट्राइसेप भी करता. फिर ये वैसे भी साले सिंगल डे कर रहे. हां सिंगल डे चल रहा है भाई. फिर मैंने की ब्लॉग में भी आना लास्ट में मुझे. गोपी तो लैपटॉप धो रही है पानी से. गाड़ी धो देगी. ये साला क्रिएटिन भी ले रहा फिर भी इसका मुंह उतार रहा है. ब्लॉग में क्रिएटिन ले रहा हूं मैं. ले नहीं रहा. मैं कह रहा क्रिएटिन भी नहीं ले रहा फिर भी भाई ले रहा. क्रिएटिन से पता क्या है अभी ले तो. अब हम ये थोड़ी भाई बताने की चीजें नहीं है. बताने की क्रिएटिन ले रहा है. क्रिएटिन यही बताने की चीजें नहीं है. ऐसे पब्लिक का मत बोलेगा यार. क्रिएटिन वगैरह ये कर जिम ये जा रही है. ये ने साला सीन उठा सकता था आज इतना वो है. तो आगे कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ. ये गोलू के हाथ में हो गया दर्द. गोलू ने आज चेस्ट मारी ज्यादा पर पता नहीं ना ट्राई सब करे फिर भी हाथ में दर्द है. मेरे को लग रहा है इसके सीधे हाथ में दर्द है तो उल्टे हाथ में दर्द है. गाइस तुम समझ जाओ कि कौन सी ये गलत कामों में है. गोलू चल रही है दो जगह जिम कर रहा है भाई. करा एक तो 800 और एक एक 5-5 ग्राम का डंबल मारता है. 5-5 ग्राम निकालता यार. पता बजर कम हो गया. 1 किलो पूरा और मारा. 1 किलो ना कम हो गया. देख देख तू क्या बोल रहा है. मास्टर तू ले रहा है. बोल जा रहा है तू मार. तो विनय का आप सोच रहे कि अब बल्किंग पे क्या करना पड़ेगा यार. बढ़ाना पड़ेगा इसको. डाइट वाइट बताएंगे ब्लॉग में ही बताएंगे तो लोग कॉपी कर लेंगे फिर शरीर बना देंगे हमारे जैसा. हम बताएंगे नहीं. बाकी अगर किसी को चाहिए हो शरीर बनाना तो काकू ऐसे बनाओ. तुम बात बात करता हूँ. चेस्ट लटक रही हो भाई. हाँ फैट यार. क्या तो बात कर रहा है काकू. मुझे मुझे डर इस बात का है कि कहीं ना मतलब रिएक्ट ना कर जाए यार. क्या साले रिएक्ट करेगा. हम चलते हैं घर की तरफ. आगे आके लेंगे डाइट. चलो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में. तब तक के लिए जय श्री राम भाई. जय श्री राम.